रायबरेली में ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। रायबरेली में उचाहार पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने एटीएम में ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 अभियुक्त प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और यह स्थान बदल बदल कर ठगी का कारोबार करते हैं। पुलिस की माने तो दिनेश पटेल नाम के शातिर पर एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले हैं। पुलिस इस गैंग की काफी दिनों से तलाश कर रही थी। फिलहाल इनके पास से कई एटीएम कार्ड, असलहा, एक बोलेरो गाड़ी बरामद की है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश चल रही है। अब आप खुद ही सुनिए सीओ सिटी गोपीनाथ सोनी क्या कह रहे हैं। जनपदी एटीएम की ठगी करने वाले गैंग का खुलासा उचाहार क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा की गई है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से एटीएम कार्ड, स्कॉर्पियो गाड़ी, मोबाइल, तमंचा, कई चीज़ें बरामद हुई हैं। और ये गिरोह में जो दिनेश कुमार पटेल है, जो सरगना है, इसके खिलाफ मर्डर के भी मुकदमे हैं। सर, कहाँ का गिरोह है ये? गिरोह मूलतः प्रतापगढ़ के 3 हैं जो मुलजिम पकड़े गए हैं। और ये स्थान बदल बदल के, कभी ये कौशाम्बी में, कभी कानपुर में, कभी अन्य जनपदों में लगातार करते रहे। इससे पूर्व या इस बार का मिला के कितने का इन्होंने ठगी की होगी? ठगी की इन्होंने जो की होगी कई लाखों में है, कई लाखों में इन्होंने ठगी की है। और इसमें दिनेश कुमार पटेल के खिलाफ 2013 से ही कई मुकदमे हैं। लगभग 18 मुकदमे दिनेश कुमार पटेल के ही ऊपर है, बाकी अन्य जो अभियुक्त है उनके खिलाफ भी है। सर, पूछताछ में क्या पता लगा कि इनके गिरोह में कितने लोग हैं? पूछताछ में इन्होंने अभी तो 3 की ही बात बताई, बाकी और लोगों पे भी पूछताछ जारी है।